ले फिर आ गए। कहाँ उतरे? जय हिंद यूपी इलाहाबाद से हम हैं संतोष यादव। ये दोनों पता नहीं कहाँ बिजी थे, का देख रहे थे? वीडियो देख रहे थे सर। कौन वीडियो? देसी जिम फिटनेस की। देसी जिम फिटनेस कुछ आड़ा बड़ा देख रहे थे, ये बहाना हो चुक दे रहे हैं। हम लोग करने वाले हैं, देखिए बहुत से लोग आप इनकी चेस्ट देखिए एकदम शेप में दिख रही होगी, हमारी बहुत तगड़ी शेप में है। बात यह गई कि इस चेस्ट में और इस चेस्ट में देखिए अंतर दिख रहा होगा आपका। अंतर क्या दिख रहा है कि इनका जो लोअर आप देखिए, लोअर चेस्ट है वो काफ़ी शेप में है, और इनका देखिए आप ये एरिया देखिए, आप देखिए एरिया कितना भ्रष्ट हो चुका है। कुछ लोगों को क्या है ना कि हमने चेस्ट वर्कआउट बहुत ही बता दी है, 3-4 वीडियो बता दिए कि भैया चेस्ट फैट कैसे कम करें, तो कम तो हो गया कुछ लोगों का, कुछ लोग का हो ही रहा है, लेकिन मेन कहते हैं भैया संतोष भैया फैटवा चला गया हो, सब कुछ सही हो गया, ये जो लोअर जगह है ये सही नहीं हो रहा है, इसको कैसे सही करें, इसके लिए क्या करें, ये शुरुआत चौकाहट टाइप हो गया है, करनी कैसे, जैसे मतलब कि वो गाड़ी क्या होता है, नहीं वो बगल बगल में इंडिकेटर, हाँ इंडिकेटर टाइप से चलता रहता है, इसको कैसे सही करें। तो उसको सही करने के लिए हम लोग आज को बताएंगे, आप इसे जब भी चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो इसको शामिल कर लो, आपका जो लोअर चीज है ये धीरे 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 आप देखेंगे सही हो जाएगा, 2 दिन में 7 दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, यू विल सी द रिजल्ट। ओके, तो पहली चीज क्या होगी इसी बताएंगे, पहली चीज क्या होगी उसे हिंदू पुशअप कहते हैं। हिंदू पुशअप बहुत पुराने चला रहा है, शायद ये बहुत पुराने जो हमारे ग्रेट गामा वामा थे, दारा सिंह वंग थे, वो लोग करते थे, और आप देखिए कैसे होगा। इस तरीके से आप कहीं पे भी अपने पैरों को रख लें और ऐसे नीचे जाएं फिर ऊपर आएं, ऐसे ये देख रहे हैं कैसे होगा। इससे क्या होता है, पूरे ओवरऑल बॉडी का फैट बर्निंग तो होता ही है, फैट बर्निंग तो होगा, पेट भी कम होगा, आपका थाई फैट भी कम होगा, आपके बॉडी का पूरा फैट कम होगा, लेकिन हमारा जो मेन है मसल लोअर वाली वो ज़्यादा एक्टिव होते। चल बे ऐसे, अभी देखो ये नया है ना, कर नहीं पा रहा ठीक से, आपको क्या करना है इसे इसे रौंदते हुए जाना है और सांप की तरह मुड़ी निकालना है, जाओ और सांप की तरह मुड़ी निकालो, ताक सही से फन काट दो, तब असली मजा आएगा अगर फन काट लिए तुम। चल फन काट ए ऐसे, और आगे अबे और आगे हिच कैसे, चल 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 ए या इस तरीके से देखिए, आप देखिए कितना स्ट्रेच हो रहा है ये एरिया देखिए ये। तो अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया आपकी चेस्ट भी बनेगी, पूरे ओवरऑल बॉडी पे काम होगा, और जो आपका लोअर चेस्ट का ड्रामा है इसी चीज़ से जाएगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आपका फाइट जो चेस्ट फाइट है आप बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दिन से परेशान है, ये बहुत अच्छा काम करेगा, ट्राई जरूर करिए, 3 से 4 सेट जरूर लगाइए जब भी आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं, डेली कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज, रिलैक्स करो। और जो एक नॉर्मल एक्सरसाइज जो आपको शामिल करनी चाहिए अपने चेस्ट वर्कआउट में उसे कहते हैं पुशअप। चलो चलो इंक्लाइन पुशअप बहुत जरूरी है, आप किसी ऊंचे ग्राउंड पे या बेंच पे, यहाँ है पेड़ की डाल उसी पर रख दिया हाथ, इस तरीके से नीचे जाइए ऊपर आइए नीचे जाइए, और ये मेन चीज ना आपके लोअर चेस्ट के लिए आई है, तो इसको काहे छोड़ना जब लोअर चेस्ट के लिए है। चल बे कर पकड़ हाथ, और चेस्ट आगे ले आओ, और आगे लो नीचे जाओ, टच कराओ, और बहुत से लोग ऊपर हैं ऐसे धर 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 मार कैसे उड़ाए देते हैं, रोबोट बनने से क्या फायदा है जब काम ही नहीं हो रहा है, तो तरीके से करो, फील करो, फील द कंट्रैक्शन, फील द बर्न, कनेक्ट योर माइंड विथ योर मसल, देन यू विल गेट द रिजल्ट। सो फोकस ऑन टेक्निक, फोकस ऑन टिप्स, चलो फोकस। तो इसको 3 सेट कर सकते हैं, और रिपीटेशन अपना 15-20-25-30-40-50 जितना कर सकते हो, अपनी ताकत झोंक दो, रिलैक्स करो बे, बहुत ही हो गया। तो ये हम लोग इनको शामिल कर रहे हैं, जो जो हम लोग कर रहे हैं आपको बता रहे हैं, और इससे देख रहे हैं काफ़ी ये सेब में आ रहा है, कुछ दिन पहले इसका पेट काफ़ी निकला हुआ था, अभी सांस खींच रहे हैं, सांस खींच रहे, ये अभी सांस खींचा ये, और सांस छोड़ ये है, अब आपसे नॉर्मल पोजिशन ऐसी है, काफ़ी बॉडी सेप में आ गई है, बहुत जल्दी तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ये हो जाएगा इनका काम, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अगर था चेस्ट वर्कआउट का क्या करें भैया आप लोग, तो भैया आप वीडियो ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, वर्कआउट भी करें, जो इंडिकेटर था हेडलाइट बन जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा वर्कआउट पे, और वीडियो को फॉलो करिए, और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए। समझ गए? जय हिंद।